हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे नंगली तीर्थ की, जो कि मेरठ के नंगली गांव में स्थित है। और ये स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी की समाधि के कारण लोकप्रिय है। सनातन धर्म का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ भी है। स्वामी स्वरूपानंद जी का जन्म 1 फरवरी 1884 में भारत के कोहाट जिले में हुआ था और अब ये जगह पाकिस्तान में है। श्री गुरु महाराज जी 1935 में यहाँ पर आए थे और यहीं पर उन्होंने तपस्या की और उसके बाद यहीं पर ही देह त्याग कर दिया था और तभी से ये बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है। यहाँ श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा से आते हैं और सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हाईवे से तीर्थ तक 84 मोड़ हैं, जो कि 84 लाख योनियों से मुक्ति के प्रतीक हैं। यहाँ गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में तो यहाँ गुड़ बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ से गुड़ हम एक दो बार घर भी लेकर गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश गुड़ होता है। ये मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ सारा हाईवे से लेकर नंगली तीर्थ तक का, जो कि बहुत ही हरियाली से भरा हुआ रास्ता है। खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और अगर मौसम अच्छा हो तो यहाँ पर उतरकर फोटोग्राफी करने का मज़ा भी अलग ही है। बट अभी यहाँ धूप की वजह से बहुत ही गर्मी है और हम यहाँ पर उतरे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हम दर्शनों के लिए आए हैं, मेन दर्शनों की इच्छा है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु संत स्वरूपानंद जी महाराज जी के समाधि के दर्शन करने आते हैं, जिन्होंने 1935 में नंगली गांव में बसने की घोषणा की थी और सनातन धर्म का प्रचार करते हुए 52 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल 1936 को अपनी देह त्याग दी थी और बाद में यहीं पर उनकी समाधि बना दी गई थी। आजकल उसी जगह पर मंदिर बना हुआ है जहाँ की हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इसका संचालन श्री गुरु मंदिर नंगली साहब दरबार ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है और ट्रस्ट के द्वारा ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर चलाया जाता है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क कार पार्किंग और जूते चप्पल रखने की भी सुविधा है। ये राइट हैंड पर जो शॉप है, यहाँ से प्रसाद खरीद कर भोग लगाया जाता है। बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर यहाँ से प्रसाद की व्यवस्था होती है और राइट हैंड पर ये जूते चप्पल की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से हम मंदिर के बिल्कुल बाहर पहुँच चुके हैं और अब मैं आपको दिखा दूँ कि हम बिल्कुल बाहर ही खड़े हैं और वो मंदिर का द्वार नज़र आ रहा है सामने। तो हम तैयारी कर रहे हैं, हैंड वॉश करेंगे और मंदिर के अंदर एंटर कर जाएंगे। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करके जाते हैं यहाँ से। यहाँ की मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पूर्णिमा के दिन कोई भी इच्छा लेकर के आते हैं, उनकी इच्छा मनोकामना यहाँ पर ज़रूर पूरी होती है। अब हम मंदिर के परिसर में आ चुके हैं और हमें यहीं से दर्शन करने होंगे क्योंकि कोरोना की वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो ये महात्मा जी हैं जो कि हमें प्रसाद देंगे और हमें यहीं से ही दर्शन करने होंगे, अदरवाइज़ हम अंदर जाते हैं दर्शनों के लिए। और यहाँ बहुत ही भजन कीर्तन, बहुत ही रौनक होती है यहाँ पर। बट अभी यहाँ पर सिर्फ हमारी फैमिली है जो कि दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँची है। और गुरु महाराज जी के दर्शन में ये आपको करवा दूँ, ये मेन दर्शन होते हैं और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो भी प्रसाद लाते हैं भोग लगाकर उन्हीं को दे दिया जाता है और मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही शांति मिलती है, बिल्कुल गुरुद्वारे की तरह। ये हमारा गुरु दरबार है और सभी के लिए उनका गुरु दरबार सबसे ऊँचा होता है। गुरु महाराज जी के दर्शनों के बाद हम उनके मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। ये अंदर हमने गुरु महाराज जी हमारे विराजित हैं और ये मंदिर के चारों तरफ परिसर है जिसका हम पूरी परिक्रमा लेंगे, जिससे कि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो अब हम वापस आ गए हैं परिक्रमा करने के बाद। अब गुरु दर्शनों के बाद हम अमृत लेने के लिए जाएंगे। ये अमृत स्रोत है जहाँ से कि बहुत ही पवित्र जल हम लोग घर में भरकर ले जाते हैं और इसकी भी बहुत ही मान्यता है। इसे बॉटल्स में भर के अपने घर ले जाते हैं और जिस तरह से गंगा जल या कोई भी पवित्र जल काम करता है, सेम वही काम ये गुरु दरबार का जल भी करता है। गंगा जल अगर घर में ना हो तो हम इसे उसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। तो अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं, बिल्कुल सामने लंगर हॉल भी है ये और यहाँ पर व्यवस्था रहती है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की।
ये देखिए ये लंगर हॉल है, मैं दिखा रही हूँ आपको, बट हमने किया नहीं था यहाँ लंगर क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे। और ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर कि गुरु महाराज जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। अब हम सद्गुरु नगर जा रहे हैं जो कि मंदिर से लगभग 5 या 7 मिनट की ही दूरी पर है। तो अब हम सद्गुरु नगर के गेट पर पहुंच गए हैं। यहाँ बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, बहुत सारे मंदिर हैं, भव्य मंदिर बने हुए हैं यहाँ, जहाँ की कीर्तन भजन अभ्यास ये सब चलता ही रहता है। बट आजकल यहाँ पर लोग बहुत कम आ रहे हैं, कोरोना की वजह से एंट्री भी नहीं है लोगों की, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही शांत माहौल आपको नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर लोगों की चहल पहल बहुत ही होती है, मंदिरों में दर्शनों के लिए लोग आते रहते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सब मंदिरों में तो नहीं जा पाए हैं, बट हम एक मंदिर में हम गए थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे गुरु दरबार में जय सच्चिदानंद करके सबको संबोधित किया जाता है। जिस तरह से हम नमस्कार करते हैं राम राम जय माता दी, तो गुरु दरबार में हम सभी लोग एक दूसरे को जय सच्चिदानंद कह करके संबोधित करते हैं। तो ये देखिए कितना भव्य मंदिर बना हुआ है गुरु महाराज जी का। तो ये हमारी दूसरी पातशाही जी हैं जिनका मंदिर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इन्होंने इस मंदिर की देखरेख की थी, तो उनकी भी स्मृतियाँ यहाँ पर हैं। बहुत ही सजाए हुए मंदिर हैं ये सभी, सभी में ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इस मंदिर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, और सद्गुरु नगर के बाहर आते ही श्री सद्गुरु वाटिका है जहाँ पर कि साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, बट कोरोना की वजह से आजकल ये सभी बंद है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं ले जा पाऊँगी। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ के सबसे विशालकाय वृक्ष की तरफ। विशालकाय होने के साथ साथ ये बहुत अनोखा भी है क्योंकि इसमें नीम पीपल और बरगद तीनों पेड़ों का मिश्रण है। ये एक ही जगह पर ये तीनों पेड़ हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप भी माना जाता है। इसके नीचे खड़े होकर के जो भी मनोकामना होती है कहते हैं कि वो ज़रूर पूरी होती है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु दरबार पर आने के बाद यहाँ भगवान से भी मिलवा देते हैं गुरु। तो इतने प्यारे दर्शनों के बाद और आशीर्वाद के बाद हमारी नंगली की ये यात्रा यहीं पर खत्म होती है। आशा है कि आपको हमारे साथ नंगली तीर्थ में घूमकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सभी को जय सदानंद जी, टेक केयर, बाय बाय।